सरकार अब किन्नरों को हर सुविधा दे रही है, जिसके लिए अब तक ये समाज दर दर भटक रहा था। अब वो वक्त आ गया है जो समाज आपके घर बधाई देने आता था, आज लोग उन्हें उनके दरवाजे पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। बताने चले कि आज किन्नर समाज भाजपा सरकार में सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बलिया की किन्नर अनुष्का चौबे की, जिन्हें उत्तर प्रदेश का स्वीप आइकन बनाया गया है। बता दें कि अनुष्का को न केवल स्वीप आइकन बनी, बल्कि लखनऊ में उन्हें लखनऊ आईएएस सूर्यपाल गंगवार द्वारा सम्मानित भी किया गया। अनुष्का अब लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी, उनके एक एक वोट के महत्व को बताएंगी। इन सबके बीच भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी ने अनुष्का को सम्मानित किया। वही पूरा किन्नर समाज योगी मोदी का धन्यवाद कर रहा है। अनुष्का कहती हैं कि केंद्र और प्रदेश में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन आज योगी मोदी की सरकार ने हमें वो सब कुछ मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं। सुनिए इस सम्मान के बाद किन्नर अनुष्का शर्मा ने क्या कुछ कहा है। सोनी तिवारी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा बलिया। किस तरह का आदेश आया था इनको सम्मानित करने का? हमारे महिला मोर्चा के तहत ये एक है कि किन्नर समाज को सम्मानित करना है, और हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किन्नर समाज के लिए भी उतना ही काम किया है जैसे महिलाओं के लिए काम किया है, जैसे पुरुषों के लिए काम किया है। जैसा कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उनमें इनको भी उतनी ही महत्व मिला है जितना सबको मिला है। वो किन्नर समाज को भी साथ लेके चल रहे हैं, उनको न्याय दिलाना हो, उनका अधिकार दिलाना हो। जैसे पहले क्या था कि ये लोग परिवार से बहिष्कृत की जाती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत इन लोगों को जमीन में, प्रॉपर्टी में, घर में से भी अधिकार मिलेगा, और अब इनको परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी सरकार की, मोदी सरकार की देन है कि आज इनको इतने सालों बाद, संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला कि अपने घर परिवार में वो रह सके, संपत्ति में अधिकार मिले और सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सके। निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता प्रचार और जागरूकता के लिए मैं स्पीक आइकन बनाया गया। आज किस तरह से आपको सम्मानित मिला, किस बात के लिए सम्मानित किया गया? योगी जी और मोदी जी के चरण छुके, चरण स्पर्श और बहुत शुभकामनाएं कि बहुत सरकार दुनिया में आए और गए, भारत में बहुत सरकार आए गए, यूपी में बहुत सरकार आए गए, लेकिन किन्नरों के बारे में कोई सोचा नहीं था। पहले किन्नर समाज का एक दुख था, जिसे मैं अपने आप को बता रही हूँ, एक दुख था कि छोटे पर जब पैदा होते थे तो उनको बहिष्कार किया जाता था, समाज में बराबर चलने का हक नहीं मिलता था। इससे पहले मैं बहुत लड़ाई लड़ी हूँ, और आज सरकार जागरूक हुए हैं और हम लोग का राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, और समाज में हम लोग कंधा पे कंधा मिला के चलने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो रहा है।